बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं आज आपको एक बहुत ही यूनिक जगह पे लेके आया हूँ। तकरीबन इस्तांबुल से 250-300 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे एक गूस सिटी के नाम से है, शायद आप लोगों ने सुना हो। ये बहुत ही दिलचस्प एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जो कि इतनी ये जो माउंटेन्स हैं इनके दरमियान यहाँ पे बना, और ये अपनी तर्ज का एक बिल्कुल यूनिक सा प्रोजेक्ट है। इस जो कैसल टाइप इन्होंने यहाँ पर बनाया, और बड़ा ये एक दिलचस्प किस्म का, आप समझ लें कि ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे तकरीबन आपको साथ साथ बिल्कुल कोई जो है ना सिटी एरिया नहीं है, बल्कि ये माउंटेन्स हैं, और इनके अंदर ये एक प्रोजेक्ट जो है इन्होंने तैयार किया है कंपनी ने। नाज़रीन, बुर्जुल बाबस प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन 732 थ्री स्टोरी लग्जरी विलास पर मुश्तमिल है, जो कि एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, और इनका जो डिज़ाइन है वो गोथिक, इंग्लिश एंड अमेरिकन आर्किटेक्चर से मुशाबिया है, और इसके अंदर सिलेंड्रिकल टावर्स विद डॉर्मर विंडोज़ के साथ जो है ये बिल्कुल ग्लैटर टावर जो बॉस्फोरस में है उससे मिलते जुलते ये टावर है, और उसी तर्ज पे उससे इंस्पायर्ड होकर ये बनाया गया। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स भी है, जिसमें कि हेल्थ एंड ब्यूटी फैसिलिटीज़ हैं, टर्किश बाथ है, मास्क है, मूवी थिएटर है, और इसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज़ हैं लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। और प्राइसेस मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये 370,000 यूएस डॉलर से स्टार्ट लेके तो 530,000 यूएस डॉलर तक मुख्तलिफ जो है इसके अंदर जो विलाज़ हैं तो उनकी ये प्राइसेस हैं। बेसिकली ये जो अरब मार्केट है उसके लिए बनाया गया, क्योंकि अरब लोग जो है वो ग्रीनरी और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, और वो लोग जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की एक नायाब चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं रहना। तो ये मार्केट किया गया थ्रू एक बुर्जुल बाबस थर्मल टूरिज्म कंपनी है, और इनका जो एक रियल स्टेट का ऑफिस के अंदर, तो उसके थ्रू इसको मार्केट किया गया। और शुरू शुरू में तकरीबन ये हाफ जो प्रोजेक्ट है तो ये सेल आउट हो गया, एडवांस बुकिंग हो गई इसकी, और इस पर तकरीबन जो है आप कह लें कि 4 साल का, ये 2014 में स्टार्ट हुआ, तो 425 वर्कर जो है उन्होंने इस पे काम शुरू किया, और ये प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर कंप्लीट होना था, लेकिन 2019 में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और जो कंपनी है स्रोत कंपनी, लोकल एक कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी अरब कंपनी के साथ मिलके जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो वो बैंक्रप्ट हो गए, और इन पर तकरीबन जो डेबिट है वो 27 मिलियन यूएस डॉलर आ गया, तो ये काम वहाँ पे स्टॉप हो गया। मेराफ मदरनो जो है मेहमत एनीगल, वो अभी तक कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है दोबारा से शुरू होगा और इसको हम कंप्लीट करेंगे। 2021 में 587 जो इनमें से विलास थे उन पे दोबारा से काम शुरू हुआ, लेकिन वो अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे जो गार्डन था उस पर ही काम किया गया, तो अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ, तो अभी इसकी कोशिश एफर्ट जारी है, गवर्नमेंट की नज़र में आ चुका है ये प्रोजेक्ट और उस पर काम जारी है, क्योंकि बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी और ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा, इस वक्त के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।